गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो चलते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले आप अपने पास कॉपी पेन रख लीजिए और तैयार हो जाइए, फिर इसको शुरू करते हैं। तो जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो पहले हमारे पिछले वीडियो अच्छे से देख लें, और इसके बाद अगर हमारा ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है। और वो काफ़ी लंबा वीडियो है, लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो है। तो उसमें सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, जिनको जो नए हैं जो टेंस सीखना चाहते हैं, जैसे 6-7 के स्टूडेंट, उसको पिछला वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है पूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए, पूर्ण से ही मतलब होता है, पर पूर्ण से ही पता चल जाता है कि जो काम पहले जाए शुरू हुआ था वो काम अब जस्ट अभी क्या हुआ है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो इसमें, इस टेंस में काम के पूर्ण होने का बोध होता है, ठीक है। जो पास्ट में काम स्टार्ट हुआ था वो अभी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होती है, पहचान क्या होती है, सबसे पहले चुका है, चुकी है, चुकी है और चुके हैं, क्या है, चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आता है खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, ये सब चीज़ें आती है इसमें। तो उसमें ये छुपा रहता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो उससे भी हम सेंस निकालते हैं कि ये छुपा है, चुकी है वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो अब इसमें इसकी जो, इसका जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है, पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या है, क्या होता है, हैज या है, प्लस क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस स्ट्रक्चर को एक दो बार आपको देखना है। एक दो बार जैसे आप देख रहे हैं बोलते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, और स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है। बिना स्ट्रक्चर के फॉलो किए आप सेंटेंस नहीं बना सकते इस टेंस में, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हैज और हैव का यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए, हैज और हैव का यूज ही, सी, इट और एनी नेम के साथ, एनी नेम के साथ किसका यूज होता है, हैज का यूज होता है। और हैव का यूज आई, वी, दे, यू और किसके साथ होता है, प्लूरल के साथ इसका यूज होता है, हैव का यूज होता है। यानी इसको बोलिए, मेरे साथ बोलिए, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ हैज का यूज होगा, आई, वी, दे, यू, प्लूरल के साथ हैव का यूज होगा, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो इसका सेंटेंस बनेगा, जैसे वह अपना काम कर चुका है, वह अपना काम कर चुका है या कर लिया है, ठीक है, कर चुका है या कर लिया है, ठीक है, वह अपना काम कर चुका है या कर लिया है, इसका मतलब यह है कि पूरा कर लिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये चुका है, तो अपना काम कर लिया, ठीक है। तो ये भी इसमें देखना, तो इससे सेंस क्या निकलता है, सेंटेंस पे सेंस भी निकालना है कि कर लिया मतलब उसका काम जो है कंप्लीट हो गया, जो काम उसका कंटिन्यू था उसको क्या किया, उसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो वह अपना काम कर चुका है, तो वह के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, और ही के साथ क्या लगेगा, देखिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना, स्ट्रक्चर को छोड़ना नहीं है, बस ये देखने बस के लिए नहीं है, सब्जेक्ट ही आ गया, फिर क्या आएगा, है या है, दोनों में से एक, ठीक है। तो दोनों नहीं लगाना, एक लगाना है, प्लस काम करना,
ठीक है ना। तो ही हैज डन हिज वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये हिज ही क्यों है, ठीक है। ही हैज डन हिज वर्क, ठीक है। तो इसमें हिज ही क्यों है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब ही है तो इसके साथ हिज आता है, सी है तो इसके साथ क्या आता है, हर आता है, यू है तो इसके साथ क्या आता है, योर आता है, क्या आएगा, योर, वी है तो क्या आएगा, अवर आएगा, दे है तो क्या आएगा, देयर आएगा, दे है तो क्या आएगा, देयर आएगा, ठीक है। वह उसका काम करेगा ना, वह उसकी, तुम तुम्हारा, हम हमारा, वे उनका, ठीक है ना, समझ गए। तो अगर यहीं पर होता ही हैज डन हिज वर्क, ठीक, तो वह अपना काम कर लिया है या कर चुका है। हैज के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस एक बार अच्छे से देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ये जब भी आए तो क्या हो जाएगा, दे का देयर हो जाएगा, बी का अवर हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ई का हिज हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षक वाले, तो इसमें ये भी मैं बता देता हूँ उनके लिए भी कि जैसे कोई सेंटेंस आता है जिसमें इट इज या दिस इज लगा हो और सुपरलेटिव डिग्री हो, जैसे मान लीजिए लिखा है कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है दिस इज, ठीक है, या इट इज, या इट इज प्लस सुपरलेटिव, क्या लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। किसका यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ठीक है। जैसे दिस इज, इट इज प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज होता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से स्ट्रक्चर लिखिए, फिर इसका एक सेंटेंस लिखते हैं। अब इसका सेंटेंस जैसे लिखते हैं कि इट इज, जैसे लिखा है इट इज द बेस्ट यू हैव डन, इट इज द बेस्ट दैट यू हैव डन, इट इज द बेस्ट दैट यू हैव डन, मतलब ये काम सबसे उत्तम है जो काम तुमने किया, दैट यू हैव डन, ठीक है, जो तुमने काम किया है, यानी जो काम तुम कर चुके हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये किसका टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहले इट इज द बेस्ट, ये काम वही है, ये काम सबसे उत्तम है, ये काम सबसे अच्छा है जो काम तुमने किया है। अब अगर इसी तरह ये हो जाए कि दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द वर्स्ट That you have done, या they have done, यहाँ पे क्या हो जाए, they have done, ये सबसे गलत काम जो उसने किया या जो वे किए हैं वो सबसे गलत काम, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा, जब मैं आर्टिकल का वीडियो बनाऊंगा तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल, डिफाइंड आर्टिकल का यूज किया जाता है, यानी द का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला उसमें चलते हैं। अब इसके बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, क्या होगा, हैज या हैव प्लस नॉट आ जाएगा, ठीक है। बस नॉट लगाना है, इसमें कुछ नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, मतलब क्या है इसका,
सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ठीक है। और जो कंटिन्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एट का प्रयोग भी इसी टेंस के निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं कि ही हैज नॉट कम एट, वह अभी तक नहीं आया, ठीक है ना, वह अभी तक नहीं आया। अब देखिए इसका तीनों फॉर्म क्या होता है, कम ही क्यों लगा, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि ये होता है कम केम कम होता है, ठीक है। तो जैसे डू डिड डन मेरा पिछला सेंटेंस था, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म और ये हो गया थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ही हैज नॉट कनेक्ट, ठीक। अब जैसे यहाँ पर कोई सेंटेंस आए कि तुमने यह पुस्तक नहीं पढ़ चुके हो या नहीं पढ़े हो, पढ़ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो, तुम, तो यहाँ पे क्या हो गया, यू है, ठीक है, आ जाएगा नॉट, क्योंकि नहीं लगा ना, ये नहीं जब नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रहे का हो गया, नॉट का हो गया, यू हैव नॉट रीड, अब देखिए रीड दिस बुक, यू हैव नॉट रीड दिस बुक, ठीक है, यू हैव नॉट रीड दिस बुक, ठीक। अब दिस क्यों लगा, क्योंकि यह लगा, यह एक ही पुस्तक है, जब दिस और दैट का वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें दिस और दैट, दिस और दोस सब क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और तो मेरे जितने भी वीडियो आते जाएंगे, जो नए सब्सक्राइबर हैं नए, वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मेरे को लिंक भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो आप यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल यूट्यूब जैसे खोलेंगे तो यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल आप डालेंगे तो हमारे वीडियो आ जाएंगे, उसमें से जहाँ पे चाणक्य बने होंगे तो वहाँ चाणक्य पर क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा चैनल आ जाएगा, और चैनल के बाद उसमें वीडियो, यहाँ पर सेकंड नंबर में वीडियो ऐसे लिखा रहेगा, उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो जितने भी मेरे वीडियो होंगे सब आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद You have not read this book, ठीक है। जैसे वह बहुत वह ये काम कर चुका है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही और ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ठीक है, ही हैज नॉट, ठीक है, वह काम, यह काम नहीं कर चुका है, यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है, निगेटिव पर चल रहा है, ही हैज नॉट डन दिस वर्क, ये पिछला था इसलिए मैं ये बताया, क्योंकि पिछले से अगर संबंध निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं लगा था और इस वाले सेंटेंस में नॉट लगा, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज लिखना है, फिर हैव लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये तो बड़ा आसान हो गया। अब इसका इंटरो निगेटिव देखते हैं कि इंटरो निगेटिव में क्या होगा, देखिए इंटरो निगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज, फिर क्या आएगा, हैव, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, अदर वर्ड। अब ये जरूरी है, ठीक है, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है, इसको भूल नहीं जाना है, ये बिल्कुल जरूरी है और इसी पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे अगर मैं लिखता हूं कि क्या तुम
क्या वह बदल गया है, क्या वह बदल गया है, या क्या वह बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक, तो ही लगाओ, ही लगाएंगे आप तो ये पता चलेगा आपको कि ही के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, हैज की है, ठीक है, तो हैज लगेगा इसके साथ। तो यहाँ पर क्या आ गया, हैज ही। अब यहाँ पे इसको हैज ही चेंज एलॉट, ठीक है ना, हैज ही चेंज एलॉट। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस इसको बनाइए, घर में आप 10 सेंटेंस लीजिए, 10 सेंटेंस से प्रैक्टिस करिए, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ब होंगे वो आपको समझ में आएगा। और सबसे पहली बात, आप छोटे छोटे सेंटेंस लेंगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ही के साथ हैज लगेगा। आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो ही के साथ, और उनको बोलिए भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आया ही, यहाँ पे आया सी, यहाँ पे आया इट, और यहाँ पे आया यू, और यहाँ पे आया दे, और ये आया बी। अब इसको आप लगाते जाइए, ठीक है, यहाँ हो गया हैज, तो ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया है। अब देखिए इसको बोलने की कोशिश कीजिएगा, he has, she has, it has, क्या बोलना है, he has, she has, it has, फिर यहाँ पे क्या बोलना है, you have, they have, we have, ठीक है, you have, they have, we have, ठीक। और अगर कोई नाम आ जाए जैसे राम हैज, ठीक है, जैसे चिल्ड्रन है, ठीक है, चिल्ड्रन तो प्लूरल फॉर्म हो गया, ठीक है, तो ये बोलने की आदत पड़ जानी चाहिए कि वो बिल्कुल बोलने में अगर गलती नहीं होती है तो आप लिखने में भी कभी गलत नहीं करेंगे। क्योंकि जब 9th क्लास में जो मेरे स्कूल में बच्चे आते हैं तो वो कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लगाना है, हैज लगाना है कि हैव लगाना है, यहीं पर गलती करते हैं, ठीक है, मन पड़ा तो हैज लगा दिए, मन किया तो हैव लगा दिए, ठीक। वर्ब के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में गलती करते हैं, तो वर्ब के जो तीनों फॉर्म है उसका चार्ट बना लीजिए आप, या तो गूगल में सर्च कर लीजिए उसके वर्ब के सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों को अच्छे से, क्योंकि वर्ब का देखिए अभी तो इसमें सिर्फ परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, इसके बाद जिस एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आप पढ़ेंगे तो हर सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ और आसान भी है, क्योंकि कुछ बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जिसमें ईडी बस लगाकर उसका थर्ड फॉर्म बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ है, बहुत बदल गया है। अब अगर इसी को हम इंट्रोनेगेटिव में अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए इंट्रोनेगेटिव में, तो ये हो जाएगा है, फिर क्या हो जाएगा है, फिर क्या हो जाएगा नॉट सब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा अदर वर्ड, अभी ठीक है। अब इसके बाद इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे इसी को हम बना देते हैं कि क्या हुए, क्या हुए, ठीक है, बहुत नहीं बदल गए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, है, ठीक है, वहां पे हम पता है दे है, बी है, यू है, ठीक है दे चीज एलॉट, और क्या लगा दीजिए, उस, ठीक है। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक ही सेंटेंस को चारों फॉर्म में बदलना, क्या करना है, एक ही सेंटेंस को चारों फॉर्म में बदलना। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे
राम क्रिकेट खेल चुका है। राम क्रिकेट खेल चुका है, बहुत आसान सा सेंटेंस दे रहा हूँ जिससे आपको शुरू में ही डिफिकल्ट ना लगे और पता चले कि आप वीडियो देखें और बड़ा कठिन लगे तो आप छोड़ दें इसको छोड़ना। आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाए, आप इससे भी छोटे सेंटेंस बनाने की और शुरू में सीखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हैज प्लेड, प्ले प्ले में क्या लग जाता है, ईडी लग जाएगा प्लेड और ये हो जाएगा क्रिकेट, राम हैज प्लेड क्रिकेट। अब दूसरा अगर हम ये बनाए कि राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है, क्रिकेट नहीं खेल चुका है, नहीं खेल चुका है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, देखिए कितना आसान है ये, राम हैज नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज नॉट, ठीक है, और प्लेड क्रिकेट, ठीक। अब इसके बाद क्या राम, देखिए इंट्रोगेटिव में चल रहा है, ठीक है, तो क्या राम क्रिकेट खेल चुका है, क्रिकेट खेल चुका है, क्या राम क्रिकेट खेल चुका है और क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर राम लगाइए और राम के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है, हैज राम क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, अगर यहाँ पर बीच में क्या आता तो डब्ल्यू एच वाले जो सेंटेंस हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें जितने भी डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस होंगे उस सबके लिए अलग से मैं बताऊंगा और पूरे टेंस में उनका यूज करूंगा, ठीक है। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको जो भी नया वीडियो बनेगा वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो हैज राम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट, ठीक है, हैज राम प्लेड क्रिकेट, फिर क्या राम, क्या राम क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है, नहीं खेल चुका है, ये हो गया। अब इसको देखिए इसमें क्या चेंज आएगा, बिल्कुल वही सेंटेंस रहेगा जो ये है, हैज राम और बस यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ पर भी नॉट लगा लीजिए, स्ट्रक्चर को फॉलो करना, इसको इंट्रो नेगेटिव के स्ट्रक्चर में बताया हूँ कि हैज राम नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट, यहाँ पे क्या हो गया, क्रिकेट और ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक। अब एक सबसे अच्छा सेंटेंस जो या तो क्वार्टरली एग्जाम में या तो हाफ ईयरली एग्जाम में या तो एनुअल एग्जाम में जरूर आता है एक बार, इसलिए इस सेंटेंस को हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि अगर ये सेंटेंस को आपसे बनी जाना चाहिए, जैसे वर्षा हो चुकी है, ठीक है, वर्षा हो चुकी है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कभी भी वर्षा आए, सर्दी गर्मी बरसात, ठीक है, तो सीधे ईट लगाना है आँख बंद करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईट हैस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई डी। अब इसके बाद वर्षा नहीं हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, ठीक है, अब वर्षा नहीं हो चुकी है, फिर जैसे क्या वर्षा हो चुकी है, क्या वर्षा हो चुकी है, ठीक है, और क्या वर्षा नहीं हो चुकी है, ठीक, वर्षा नहीं हो चुकी है। तो अब ऐसे सेंटेंस आप जब भी बनाएंगे तो इसको अब आपको बनाना है, ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ दिया, ठीक, इसको आप मेरे को बना करके आप, ठीक, इसमें कमेंट में लिखिएगा कि हमने बना लिया, आई हैव डन दिस, ठीक। तो वर्षा हो चुकी है, इट हैज रेन, वर्षा नहीं हो चुकी है तो सीधे क्या करना है, स्ट्रक्चर को देखना है कि कहाँ पर नॉट आया है, फिर क्या वर्षा हो चुकी है तो इस सेंटेंस को देखना है कि कहाँ पर हैज आया है, क्या वाले में, और फिर क्या वर्षा नहीं हो चुकी है, इस अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको, इस वीडियो को आप
एक दो बार देखें या कॉपी में जब भी वीडियो देखने के लिए आप बैठने तैयारी करें कि अब चलो हमको वीडियो देखना है, पढ़ना है थोड़ा, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और जितना हो सके पूरे सेंटेंस आप लिखिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए, अपने से ही कुछ भी बनाइए, कोई सेंटेंस बनाइए, आप ले लीजिए जैसे कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए जो आपके मन में आए, जिसमें टेंस के गाड़ी चुका है चुकी है रहने चाहिए, उसमें रहा रही रहने चाहिए, उसमें ता की ते रहना चाहिए। इसमें भी हिंदी में भी गलत करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप जितना सेंटेंस बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर टेंस नहीं बनेगा तो फिर पैसिव वॉइस में दिक्कत होगी, इसलिए टेंस को अच्छे से रिवीजन करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, वर्ब याद करिए, आपसे टेंस कभी नहीं भूलेगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं और आपके सामने पेश करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।